नमस्कार, स्वागत है आपका पीआर इंस्टीट्यूट ओनली सक्सेस पॉइंट में। आइए हम बात करते हैं आधुनिक भारतीय चित्रकला के चित्रकार अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनके जीवन पर थोड़ा मौखिक रूप में प्रकाश डालते हैं कि इनका जन्म 1897 ईस्वी लाहौर में हुआ था, इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे, इन्होंने शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त की थी, भारत से प्राप्त की थी और लंदन से प्राप्त की थी, इनके पूर्वज कौन थे जो ईरानी थे, इन्होंने किसकी गजलों पर चित्रण किया है, कौन से इनके चित्र संग्रह रहे हैं, इनका माध्यम क्या रहा है और इनकी पेंटिंग यानी कि कृतियां कौन कौन सी रही है, तो उस पर प्रकाश डालते हैं, पॉइंट टू पॉइंट उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए, पॉइंट है हमारा अब्दुल रहमान चुगताई, जो एक बंगाल शैली के कलाकार थे। ये बंगाल शैली के कलाकार थे। क्वेश्चन बनता है हमारा कि अब्दुल रहमान चुगताई जो है किस शैली के कलाकार थे, तो वे बंगाल शैली के कलाकार थे। तो इनका जीवन परिचय में इनका जन्म 1897 ईस्वी लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? 1975 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? देखिए, जाहिर सी बात है, अब्दुल रहमान चुगताई बंगाल शैली के कलाकार थे, तो शिक्षा कहाँ इन्होंने प्राप्त की थी? कलकत्ता आर्ट स्कूल में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। दूसरी बात है कि ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? इन्होंने छापा कला की शिक्षा प्राप्त की थी। तो छापा कला की शिक्षा इन्होंने छापा कला की शिक्षा लंदन में प्राप्त की थी। किस माध्यम में थी? एचिंग माध्यम में इन्होंने छापा कला की शिक्षा प्राप्त की थी। इनके जो प्रारंभिक गुरु रहे हैं वे थे बाबा मीर बख्श। बाबा मीर बख्श, इनको उस्ताद मीर बख्श भी कहा जाता है। और भारतीय गुरु थे इनके अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1897 ईस्वी लाहौर में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी? 1975 में हुई थी। शिक्षा इन्होंने कहाँ प्राप्त की थी? कलकत्ता आर्ट स्कूल में प्राप्त की थी। छापा कला की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? लंदन एचिंग में जो माध्यम रहा है उसमें प्राप्त की थी। प्रारंभिक गुरु कौन थे? बाबा मीर बख्श इनके प्रारंभिक गुरु थे, जिनको उस्ताद मीर बख्श भी कहा जाता है। भारतीय गुरु कौन थे? इनके अवनींद्रनाथ टैगोर थे इनके भारतीय गुरु। अब पॉइंट बनता है इनके पूर्वज कौन थे। तो अब्दुल रहमान चुगताई के पूर्वज ईरानी थे और ये जन्म से भारतीय थे। यानी कि इनके जो पूर्वज थे वो ईरानी थे और इनका जन्म जो था वो भारत में हुआ था, इसलिए ये जन्म से भारतीय थे। दूसरा पॉइंट बनता है कि अब्दुल रहमान चुगताई
के वंशज मुगल दरबार में भवन शिल्पी थे। यानी कि इनके जो वंशज रहे हैं वो मुगल दरबार में भवन शिल्पी थे, जैसे आगरा का ताजमहल हुआ, दिल्ली की कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और फतेहपुर सीकरी, मतलब इस प्रकार के जितने भी भवन शिल्पी रहे उनमें उनका सहयोग रहा है, क्योंकि ये ईरान से थे, फारस से आए थे तो सहयोगी थे, तो इसीलिए जो है इन्होंने मुगल काल में अपना सहयोग दिया है, तो वे भवन शिल्पी रहे हैं और इन पर जो है मुगल काल का प्रभाव रहा है। तो इनका जो माध्यम रहा है वो कौन सा रहा है, इन्होंने जो रंग इन्होंने प्रयोग किया है, तो इनका जो रंग है, रंग क्या था इनका, नीला, इन्होंने नीले रंग में कार्य किया है, नीला व सिंदूरी, इन्होंने नीले व सिंदूरी रंग में कार्य किया है। अगर क्वेश्चन आता है कि इनका जो रंग है इन्होंने किस रंग में कार्य किया है, तो नीला व सिंदूरी रंग में इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने मिर्जा गालिब की गजलों का मिर्जा गालिब की गजलों पर चित्रण किया है, यानी किस पर चित्रण किया इन्होंने, मिर्जा गालिब की गजलों पर इन्होंने इन्होंने मिर्जा गालिब की गजलों पर चित्रण किया है। क्वेश्चन आता है कि अब्दुल रहमान चुगताई ने किन की गजलों पर चित्रण किया है, तो मिर्जा गालिब की गजलों पर चित्रण किया है। अगर आता है मिर्जा गालिब की गजलों पर किसने चित्रण किया है, तो अब्दुल रहमान चुगताई आता है। क्या आता है, अब्दुल रहमान चुगताई आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके दो बन जाते हैं यहाँ पर, और आया हुआ भी है क्वेश्चन है कि मिर्जा गालिब की गजलों पर किसने चित्रण किया, अब्दुल रहमान चुगताई ने किया है, या अब्दुल रहमान चुगताई ने किसकी गजलों पर चित्रण किया है, तो मिर्जा गालिब की गजलों पर चित्रण किया है। अब पॉइंट बनता है कि इनके दो चित्र संग्रह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके यानी कि अब्दुल रहमान चुगताई के अब्दुल रहमान चुगताई के दो चित्र संग्रह है। नंबर एक है मुरक्का ए चुगताई और दूसरा है नक्काश ए चुगताई, जो कि 1936 में बना था। इनके दो चित्र संग्रह है मुरक्का ए चुगताई और नक्काश ए चुगताई, जो 1936 ईस्वी में बना था। इनका मुख्य जो माध्यम था, पॉइंट बहुत ही खास है, इनका रंग मुख्यतः माध्यम जो था रेखांकन वास में चित्रण किया है, वास में चित्रण किया है। तो इन्होंने किस में चित्रण किया है, रेखांकन वास में इन्होंने चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहां नोट कर देते हैं, नीचे का आप नोट कर लीजिए। इन्होंने रेखांकन वास में चित्रण किया है। देखिए, जन्म से भारतीय होने के कारण, वंशज इनके फारसी यानी कि ईरानी होने के कारण, इनके चित्रों में भारतीय व फारसी तत्वों का मिश्रण रहा है। तो किसमें रहा है, अब्दुल रहमान चुगताई के चित्रों में भारतीय व फारसी तत्वों का मिश्रण
रहा है। दूसरा इनको बहुत ही वेरी वेरी, इसको आप वेरी वेरी नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको रंगों का सम्राट भी कहा गया है। पॉइंट बनता है कि रंगों का सम्राट किसे कहा गया है, तो रंगों का जो सम्राट कहा गया है वो अब्दुल रहमान चुगताई को कहा गया है। क्वेश्चन बहुत ही खास है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि रंगों का सम्राट किसे कहा गया है, तो पॉइंट है अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा गया है, ठीक है ना। एक और पॉइंट यहाँ है इनका, ये भी खास ही पॉइंट है, अंग्रेजों ने इनको खान बहादुर की उपाधि दी थी, यानी कि उपनाम था इनका, क्या नाम था, खान बहादुर की उपाधि इनको दी थी। किसने दी थी, अंग्रेजों। अगर क्वेश्चन आता है कि खान बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी, तो अब्दुल रहमान चुगताई को दी गई थी। क्वेश्चन आता है किसने दी थी, तो अंग्रेजों ने दी थी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब इनके प्रमुख चित्रों के बारे में करते हैं। प्रमुख चित्र, पहला चित्र है इनका, ये नोट कर लिया। चलिए गलूमी राधिका, किसमें बना है ये, वास और टेम्परा। गलूमी राधिका किसने बनाया है, वास और टेम्परा में। दूसरा है द हर्मिट, तीसरा है सहारा की राज कुमारी, चौथा पॉइंट है हीरा मन तोता, और जी पांचवा पॉइंट है प्रिंस सलीम, और छठा जो देखिए इनकी जो रचनाएं थी, यानी कि जो कर दिया थी आपके सामने है, बहुत सारी रचनाएं तो हम नोट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी रचनाएं होती है, लेकिन हम वही रचना यानी कि वही करती है, वही चित्र नोट करते हैं जो बहुत खास होती है। इनके दो चित्र संग्रह रहे हैं, नक्का से चगताई और मुरक्काए चगताई। इनकी जो प्रमुख रचना रही है तो वो है, हम नोट कर रहे हैं, गलूमी राधिका है जो वास और टेम्परा में बनाई गई थी, द हर्मिट है, तीसरी है सारा की राजकुमारी है, चौथी है हीरामन तोता है, पांचवी है प्रिंस सलीम है, और छठी है बुझी हुई लो, और कवि तुलसी दास, और नेक्स्ट है जंगल में लैला। तो ये इनकी जो है कुछ रचनाएं हैं जो प्रमुख रही हैं, गलूमी राधिका, पास आउट बहुत इंपोर्टेंट जो रचना इनकी ये है, दो दो ऐसे चित्र संग्रह इनके इम्पोर्टेंट थे कि कौन कौन से संग्रह थे वे पूछे जाते हैं। एक इसमें ये पूछा जाता है कि गलूमी राधिका किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है, तो अब्दुल रहमान चुगताई की कृति है, ठीक
किस में बनाया गया है? वास और टेम्परा में बनाया गया है। दूसरी हर्मिट किसकी है? वो भी इन्हीं की है। सहारा की राजकुमारी और हीरामंत होता प्रिंस सलीम, बुझी हुई लो, एक बुझी हुई लो और एक जंगल में लैला और द हर्मिट, सारा की राजकुमारी और गुलुमी राधिका। ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर कर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के फिर प्रस्तुत होंगे। आज तक के लिए धन्यवाद।